हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्लासेस। बहुत स्वागत है आपका विज्ञान क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता देता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगे आपको नए नए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जो कि PSPCL में एग्ज़ाम निकला है, तो उसके जो टॉपिक हमारे वीडियोज़ चल रहे हैं, सीरीज चल रहे हैं, ये थर्ड या फोर्थ वीडियो है। तो आप पीछे मेरे वीडियोज़ में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आज हम SBI के जो परसेंटेज प्रॉब्लम्स हैं या PSPCL जो सब सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SBI IAS या IBPS बैंक एग्ज़ाम PO, तो सब में परसेंटेज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। आज हम उसी परसेंटेज के टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बारे में ट्रिक्स जानेंगे। तो हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहें, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का थॉट जान लेते हैं, इफ़ यू बैड चैप्टर्स डज नॉट मीन योर स्टोरी इज़ ओवर। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ फ्यू बैड चैप्टर आ जाएँ, तो इसको मैं जोड़ता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ कि हमारी ज़िंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ फ्यू अप्स एंड डाउन्स भी आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं हमारी स्टोरी ओवर हो गई है। तो हमें फिर से उठना चाहिए और आगे बढ़ने की राह देखनी चाहिए। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पहले जान लेते हैं जो हमारे परसेंटेज के फार्मूलाज, बेसिक फैक्ट्स। हम बेस से शुरू करेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छी तरह से आज परसेंटेज समझ आने वाला है। तो जैसे हम लिखते हैं 1%, परसेंटेज हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बचपन में भी जब हम छोटे होते थे, तो जब हमारे माता पिता हमसे पूछते थे कि कितने परसेंट आए, तो हम बोलते थे 35% पास हो गए, 48%, 90% आए हमारे। तो वो परसेंटेज कैसे निकालते थे, तो वही परसेंटेज का हम बात करेंगे। तो परसेंटेज में देखें, परसेंट का मतलब क्या, जैसे 1% मतलब 1/100, पर लगा के सेंट का मतलब 100, मतलब कि बटा पर, मतलब बटा पर सेंट मतलब 100, क्लियर है। ऐसे ही 1/100, अगर 10% लिखा हो तो 10/100, सिंपल ट्रिक है। इसमें कोई ज़्यादा ही भाव देने वाली बात नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट रिमेंबर इट। 50% का मतलब 50/100। दूसरी बात करते हैं, अगर जैसे किसी के 40% मार्क्स आए हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो गया उसके 100 में से, जगह 100 के पीछे 40 मार्क्स हैं, मतलब टोटल उसके मार्क्स कितने हैं 100, और उसमें उसके कितने मार्क्स आए हैं 40 मार्क्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं सारी, क्लियर है। तो अगर देखते हैं, अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे P/Q की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में आ जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करें। जैसे हमारे पास सिंपल क्या करना है, आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल उसे। जैसे 1/4 है, इसकी परसेंटेज क्या होगी 1/4 की, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25%, क्लियर है। 0.4 की परसेंटेज क्या होगी, तो सिंपल पहले इसको लिख लिया, पॉइंट को हटा दिए, नीचे आ गया 10, तो 4/10 × 100 दैट इज़ 40%। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, तो देन द रिडक्शन ऑफ इन कंजम्पशन। अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा बढ़ता है, तो हम उसकी कंजम्पशन है मतलब उसकी जो खपत है वो कम कर देते हैं। तो इसी कारण उस समय अगर आपको परसेंटेज निकाली है, तो आपको फार्मूला कितना क्या हो जाएगा, जितना उसका रेट इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय 100 प्लस जितना इंक्रीज हुआ है इंटू 100%, तो उस कमोडिटी का हमारे पास परसेंटेज आएगी भी कितना इंक्रीज हुआ। तो अगर उसका डिक्रीज हुआ है, तो कंजप्शन बढ़ा देंगे तो नीचे आ जाएगा माइनस। याद रखना, जब डिक्रीज होगा तो माइनस, जब इंक्रीज होगा तो कमोडिटी का प्राइस तो प्लस। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखने हैं। शुरू करते हैं, इसमें एक और रह गया फार्मूला। तो रिज़ल्ट, अगर पॉपुलेशन किसी के बारे में जानना है हमने, तो पॉपुलेशन अगर सपोज कर लो हमने एन एफ किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में जाननी है, तो पी क्या पॉपुलेशन कितनी है, वन उसकी परसेंटेज जाननी है, तो कितने नंबर ऑफ ईयर्स, एन की वैल्यू, आर बाय 100, वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन, तो हमारे पास आ जाएगी पॉपुलेशन। अगर एन ईयर्स अगो पिछले कितने सालों में कितनी रह गई, तो पी के साथ डिवाइड हो जाएगा यह सारी टर्म, सारी टर्म पी के साथ डिवाइड हो जाएगी, और ये निकल जाएगी 1P/1+R/100/N। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम परसेंटेज के जस्ट मिनट्स और सेकंड्स में। तो इतना टाइम लगाते हैं कंपटीशन में कई स्टूडेंट्स, तो हम बताएंगे इस पर ऐसे ट्रिक्स कि अब सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पहला, चेंज द फ्रैक्शन ऑफ 3/5 इंटू परसेंटेज। हमारे पास ये फ्रैक्शन दे दी, अभी मैंने फार्मूला बताया था P/Q का, तो सिंपल क्या करना है आपके, P/Q × 100। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो आपके पास जस्ट उसी परसेंटेज आएगी। तो देखो यहाँ पर की हुई है 3/5
इंटू हंड्रेड, तो क्या जाएगा 3.5, 5 के साथ कट गया 20 पे, 20 इंटू 3 60, हमारे पास आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट दिस इंटू फ्रैक्शन। अब ये परसेंटेज में तो दिया हुआ है, तो इसमें कन्वर्ट किस में करना है हमने, फ्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स बता दूँ, ये क्वेश्चन पिछले साल एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम में आया था, तो मोस्ट ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज पहले दी हुई है, हमें उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है। तो सिंपल 3/20, अब परसेंट है, अब परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो 100 नीचे जाने के बजाय अब क्या जाएगा, ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो 100, तो ये सिंपल 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 पे गया, तो 5 3 15, राइट, क्लियर। तो ऐसे मतलब पहले ध्यान से पढ़ लेना है, अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कि अगर कहीं फ्रैक्शन में की बजाय हमें परसेंटेज और निकालने को हुआ, तो ऐसे ही हमको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 3, टू इन 2014 द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए कंपनी वाज 2600, एक कंपनी में एम्प्लॉय कितने थे, 2600, अगले साल नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय 23%, तो अगले साल कितने हो गए, 23%, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 2015, मतलब एक साल बाद बताओ कितने एम्प्लॉय बने, उसकी कितने नंबर्स हो गए। तो देखें, अगर कभी भी आपको इंक्रीज्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे आपको कह दिया एक किसी भी चीज़ का 30% बढ़ गया, मतलब कि पहले उसकी कीमत मान लीजिए 100 थी, अब उसका 30% बढ़ गया, तो आप पहले उसकी कीमत क्या थी 100, अब उसका क्या बढ़ गया 30%। तो आपको ट्रिक बता देता हूँ, सिंपल क्या करना है आपने, 100 के साथ 30 ऐड करके मल्टीप्लाई करके, ऐसे सिंपल 130 ऐड कर दिया, जैसे हम 30% इंक्रीज हुआ, तो 100 में 30 ऐड करें, 130 डिवाइड बाय 100, तो 30% इंक्रीज का मतलब है 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब है 130 प्राइस हो गया नया। तो अब देखो इसमें इंक्रीज कितना, पहले प्राइस कितना था पिछले साल 2600, तो इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज 23%, 23% मतलब अब पहले मान लीजिए 100 था, तो इंक्रीज कितना हुआ 123, तो मल्टीप्लाई 123 डिवाइड बाय 100, सिंपल। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 100 जीरो से कैंसिल आउट होगी, और 26 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3198, तो हमारे पास कितने एम्प्लॉय हो गए, अगर 2015 में 3198, तो सी इज़ द राइट आंसर, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमें जस्ट उसमें ऐड करके, अगर सपोज कर लो यहाँ पर आ जाता भी इतनी परसेंट डिक्रीज हो गए, तो हमें क्या करना है, 100 में से लेट कर लो 20% डिक्रीज हो गए, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन को जस्ट सेकंड्स में सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास, इन स्कूल एग्ज़ाम सचिन के मार्क्स आए 610 और वो फेल हो गया 30 मार्क्स, मगर अगर उसके 30 मार्क्स और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता, और पास की परसेंटेज कितनी दी हुई है 40% मार्क्स टू पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स। अब देखो अगर सचिन के 30 मार्क्स आ जाते हैं, मतलब उसके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए थे, तो 610 उसके मार्क्स आए, उसमें 30 ऐड कर दें, मतलब 640 मार्क्स चाहिए थे उसको पास होने में, और पास होने की परसेंटेज कितनी है 40%, मतलब 640 इक्वल टू 40%, क्योंकि वो पास होने की परसेंटेज है। अगर ऐसे इक्वल टू आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ तो आपको एक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर 40% इसके मार्क्स ने ऐड कर ले हम, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं एक्स, ऐड कर ले उसके टोटल मार्क्स कितने हैं एक्स, अगर 40% ऑफ एक्स निकालें तो वो कितना आता है 640, क्योंकि पासिंग परसेंटेज स्कूल को होगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 640%, मतलब 40/100, 100 उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 640 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैंसिल आउट, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 32 5 160, तो हमारे पास आ जाएगा 1600 आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
कि जितना परसेंटेज अगर इक्वल हो किसी के तो उसको पहले नीचे लिख लें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल आंसर आ जाएगा। ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है। तो ये तो था हमारा पुराना कैलकुलेशन जो हम 6th या 9th 10th में करते आए हैं। आगे बढ़ते हैं स्कूल नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्कूल एग्जामिनेशन हरीश के जो स्कोर आया है, नंबर आया है, टोटल नंबर ऑफ 870 मार्क्स आउट ऑफ इतने, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। तो बहुत आसान है, जितने हम बचपन में करते हैं जितने मार्क्स आए हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स आए हैं ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, ये हम करते थे। तो ऑब्टेन मार्क्स कितने आए हैं 870 और टोटल मार्क्स कितने हैं डिवाइड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 69.6% आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 49, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये PSPCL में आने की संभावना है, क्वेश्चन आया नहीं बहुत देर से। तो एक 49% ऑफ ए नंबर अगर और द डिफरेंस बिटवीन 49% ऑफ नंबर एंड 14% ऑफ ए सेम नंबर इज 8920, व्हाट वुड बी द 70% ऑफ नंबर। अगर कहता है इन दोनों का हम डिफरेंस कर दें, मतलब माइनस कर दें, 49% का अगर डिफरेंस निकाल दें हम, मतलब माइनस कर दें इसमें से 14%, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, हमारे पास आता है 8920। तो कहता है बताओ 70% क्या होगा उस इस नंबर का। तो सिंपल है, पहले हम 35% हम इसको से इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 35%। तो 35% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 8920। तो इसे हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 35% ऑफ किसी की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 नीचे डिवाइड हो जाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा ये 8920 डिवाइड बाय 35। तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 75% की कितनी हो जाएगी, 76 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये गया 35 2 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8920 को 2 से, तो 17840 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी 17840। तो हमारा डी क्या है, राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजीव इज ए गिवन एग्जाम एंड स्कोर 35 मार्क्स इन हिंदी, 42 मार्क्स ज्योग्राफी में, 38 मार्क्स इंग्लिश में और 26 मार्क्स साइंस में एंड 46 मार्क्स हिस्ट्री में। तो मैक्सिमम जो ईच जो सब्जेक्ट है उसकी जो मार्क्स हैं, वो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं 100, तो उसके कितने परसेंट आए एग्ज़ाम में। बहुत आसान है, तो उसने कितने मार्क्स कितने पेपर दिए, 1 2 3 4 5। तो मतलब टोटल मार्क्स क्या हो गए, 500। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, उसके कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, पहले में 35, दूसरे में 42, 38, 26, 46, सबको ऐड कर देंगे, टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, 187, और कितने में से टोटल में से 500 में से, तो 187 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पी की हाइट 25% लेस है क्यू से, तो कितने परसेंट क्यू की हाइट ज़्यादा है पी से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लिख लेंगे हम पी बाई क्यू की हाइट ऐड कर लेंगे, अगर क्यू की हाइट 100 है तो उसकी 25 में लेस मतलब 75, तो पी रेशो क्यू क्या आ जाएगी, 75:100। तो क्यू की हाइट कितनी बड़ी है उसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए 25 कितनी बड़ी है उससे, 75, मतलब 25/75 × 100। तो Q की हाइट कितनी बड़ी है, दैट इज इक्वल टू 33%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। क्लियर। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो वीडियोस को शेयर कीजिए, इससे आपका भला होगा और जो आने वाले बेचारे गरीब स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते उनका भला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।